इतनी जल्दी दुनिया में कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती हैं। यदि आपको किसी एक से शिकायत है तो उससे बात कीजिए, लेकिन अगर आपको सबसे शिकायत है तो ये समय है आप खुद से बात कीजिए। सफलता की खुशियां तो हर कोई मनाता है और ये ठीक भी है, लेकिन असफलताओं से सबक सीखना ज्यादा जरूरी है। इस संसार में अनेक लोग योग्यताओं का पिटारा लेके घूम रहे हैं, लेकिन उनका लाभ उन्हें मिल नहीं पाता, क्योंकि वो मेहनत और प्रयास के पीछे नहीं बल्कि सिर्फ धन के पीछे भाग रहे हैं। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसके कितने पुष्प गिर गए, उसने कितने पुष्प खो दिए। वो हमेशा नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। आप भी वृक्ष से जीवन के बारे में बहुत गहरी बात सीख सकते हैं कि चाहे आपने कितना कुछ खो दिया हो, इस पीड़ा को भूलकर आप नया क्या कर सकते हैं, इस बात पर ध्यान दीजिए। कभी अपने आप को किसी से कम मत समझिए, क्योंकि वजूद सबका अपना अपना होता है। माना कि सूरज के सामने दीपक की कोई औकात नहीं, लेकिन अंधेरे के सामने दीपक बहुत कुछ है। किसी के आगे कभी हाथ फैलाने से अच्छा है उन्हीं हाथों को काम में लगा लो। जिंदगी में कभी हार मान जाओ ना, तो इस बात को याद रखना कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद है तुम्हारे अंदर तो तुम्हें हार भी हरा नहीं सकती। जिंदगी में कभी किसी चीज की बहुत ज्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि अगर टेंशन लेने से आदमी सफल हो जाता तो दुनिया के सारे दुखी लोग सबसे ज्यादा सफल होते। बस इतना याद रखो कि क्राई करने से नहीं बल्कि ट्राई करने से कामयाबी मिलेगी, और जिंदगी तो एक ही बार मिली है, कुछ बनकर दिखाओ। आज अगर वक्त खराब भी है तो क्या हुआ, एक दिन इसे बदल कर दिखाओ। कमजोर लोग अपने अपमान का बदला लड़कर लेते हैं, लेकिन समझदार लोग अपमान का बदला सामने वाले से ज्यादा कामयाब बनकर ले लेते हैं। कभी बुरा समय आए तो याद रखना, कुदरत भी उनके साथ ही खेलती है जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं। और लाइफ में गिरना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि गिरने के बाद ही ऊपर उठने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता। वीडियो का बस यही सार है, तुम नीचे गिरकर देखो कोई नहीं आएगा उठाने, तुम जरा सा उड़कर देखो सब आएंगे तुम्हें गिराने। इसीलिए लोगों की फिक्र करना छोड़ दो, कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचे कुछ भी कहे, तुम बस अपने लक्ष्य की तरफ फोकस रखो। केवल उसी काम पर ध्यान दो जो तुम्हारी जिंदगी बनाने वाला है, और कभी दूसरों की कॉपी मत करो, खुद को ऐसा बनाओ कि दुनिया तुम्हारी कॉपी करे। दिक्कतों की शिकायत मत करो, क्योंकि जिंदगी में जिन्हें बड़ा हासिल करना होता है वो दिक्कतों को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। और अगर अभी भी आप सपने अपनी औकात के हिसाब से देखते हो तो वाकई में आप मन से बहुत गरीब हो। याद रखें, ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बड़े सपने देखते हैं। वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर जीत हासिल करनी है तो अपनी काबिलियत को बढ़ाओ। किस्मत की रोटी तो कुत्ते भी खाते हैं। अगर इस वीडियो में कही गई बातों से आपके दिल में थोड़ी सी भी आग लगी है तो आज और अभी से अपनी लक्ष्य प्राप्ति में सकारात्मक सोच के साथ जुट जाइए, और सुनिए सकारात्मक ऊर्जा से भरी मेरी नई कहानी जिसका शीर्षक है जैसी आपकी सोच वैसी आपकी दुनिया। इस कहानी को आप सुन सकते हैं सिर्फ खबरी ऑडियो प्लेटफॉर्म पर, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज़।